हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हनीस बंसल। टुडे वी विल डिस्कस ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड आवर टॉपिक इज दैट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। मीन इस वीडियो में अपने जो बात करेंगे उस टॉपिक का जो नेम है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब स्टार्ट करते हैं, इसलिए बेसिक से फिर स्पेक्लोशन देते हैं अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वी हैव ए फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास ये फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि ये इस फंक्शन का तो ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ लिया है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, और इस ग्राफ पर बहुत से पॉइंट है, उसमें से मैंने सपोज लीजिए ये पॉइंट लिया है ग्राफ पर है, इस पॉइंट को एक्स वन वाई वन तला है, पी पॉइंट है ये ऑन दी ग्राफ, ग्राफ के ऊपर फंक्शन पर ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ध्यान रख लें, इसलिए ये पॉइंट इस फंक्शन पर है पी एक्स वन वाई वन लाए ऑन वाई इक्वल टू एक्स, इस पर लाइट लग रहा है, इस पर लाइट लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि पॉइंट इस पर लाइट लगने तरह इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजल्ट आएगा कि जब पॉइंट फंक्शन के ऊपर है तो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम बात करते हैं टेंजेंट की, ये इस फंक्शन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ कर दी अपनी, ये इस फंक्शन पर एक टेंजेंट ड्रॉन की हुई है, स्पर्श रेखा ड्रॉन की है आपने। अब इस स्पर्श रेखा को मान लीजिए इधर बढ़ाते हैं, तो ये एक्स अक्ष के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये लाइन है जो स्पर्श रेखा है वो रेखा है, और ये लाइन जो है वो आगे जाकर एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल चाहे इधर बनाए, तो इसकी जो प्रवणता होने वाली है वो एक तो होगी टेन थीटा, ये आपने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब भी कोई लाइन है वो एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है तो उसकी प्रवणता टेन थीटा होती है, परंतु अपने यहाँ जो प्रवणता की बात करें तो वो ग्राफ के हिसाब से करें, ये अपने ध्यान रखना है कि यदि कोई भी फंक्शन है, कोई भी ग्राफ है, कोई भी वक्र है, उसके किसी भी बिंदु पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दें, तो उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है ना वो दी जाती है डी वाई बटे डी एक्स उस फलन के डेरिवेटिव से, मतलब यदि उस फलन का डेरिवेटिव कर दें ना, जो भी हमें फलन दिया गया उसका डेरिवेटिव कर दें, तो वो डेरिवेटिव जो आएगा वो हमें क्या बताएगा, उस फलन के उस वक्र के किसी भी बिंदु पर ड्रॉ खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है। तो यहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, सबसे पहले ध्यान रखिए जो वक्र है वो कौन सा है y बराबर एफ एक्स, तो भी हो सकता है y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स क्लोस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एट, तो उस पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है यदि डायरेक्ट ले रहा है तो वो डी वाई बटे डी एक्स होती है। जब भी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी हो तो वो डी वाई बटे डी एक्स होती है। अब मेरे तो ये एक बिंदु पर बतानी है क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट यूज किया है बिंदु एक्स वन वाई वन, तो जो भी डी वाई बटे डी एक्स अपने फाइंड करें अगले उसमें इस पॉइंट को पुट कर दें, ये पॉइंट पुट कर दिया उसमें, एग्जाम्पल्स फिर और क्लियर हो जाएगा कि यदि हम किसी भी फलन का डेरिवेटिव करते हैं तो वो उस फलन के स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता तो बताता है, और यदि उसमें तो स्पेसिफिक पॉइंट पुट कर दे तो उसी बिंदु पर, जैसे ये स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर है एक्स वन वाई वन पर है, तो मेरे पास फलन है, फलन का लिया डेरिवेटिव और उसमें बिंदु पुट कर दिया एक्स वन वाई वन, तो ये बिंदु एक्स वन वाई वन पर क्या बता रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बता रहा है, और इस कंडीशन में इस बिंदु पी लोत लेते हैं स्पर्श बिंदु, ये जो बिंदु है ना इस बिंदु तो बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इस चैप्टर का पूरा जो है वो बेसिकली मेन है, उसका क्वेश्चन बड़े ईजी हो जाते हैं कि इस बिंदु तो बोलते हैं स्पर्श बिंदु।
अब ये स्पर्श बिंदु है स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता वाली, तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण बता सकते हैं। अब समीकरण किसका बना है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर, x1 y1 पर, और किसी भी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y-y1 x-x1 और प्रवणता किसली, जिसकी बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा की बात हो रही है, तो प्रवणता भी किसली स्पर्श रेखा की, तो ये बन गया समीकरण। x1 y1 पर है तो y-y1 x-x1 बिंदु से जाने वाली रेखा का किसी भी एक बिंदु x1 y1 से, ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है, y-y1 x-x1 स्पर्श रेखा की प्रवणता अभी ऊपर बता दिया आप लोग, किस दी जाती है dy/dx उस बिंदु पर जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं x-x1। तो ये पहला टॉपिक हो गया स्पर्श रेखा के बारे में पूरा था पूरा। अभी अभिलंब के बारे में देख लें, सिमिलरली इसी प्रकार से ये पूरा स्पर्श रेखा के बारे में हो चुका है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है उस फलन पर कोई बिंदु है, बिंदु कहीं भी हो सकता है उस पर है तो उसे संतुष्ट करेगा, ये पहली शर्त होगी। फिर उस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींच दी तो किसी भी वक्रतले किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो dy/dx से दी जाती है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, और यदि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बात कर रहा है, विशेष बिंदु पर बात कर रहा है, तो वो बिंदु उसमें पुट कर दिया। तो अब उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु दिया हुआ है तो y-y1 x-x1 और प्रवणता है। अब बिंदु है तो इस बिंदु का नाम स्पर्श बिंदु, यदि स्पर्श बिंदु पूछे तो धारणा के लिए स्पर्श बिंदु, डायग्राम पूरा माइंड में सेट कर लेना। फिर अब बात करते हैं अभिलंब की, वो क्या होगा नॉर्मल, यदि इस स्पर्श बिंदु से एक रेखा खींचे जो इस स्पर्श रेखा पर लंबवत हो, स्पर्श रेखा के साथ लंबवत हो 90 डिग्री बनाए और इस बिंदु से जाती हो, तो इसे बोलते हैं अभिलंब। और कौन से बिंदु पर आइए, x1 y1 पर, ये डायग्राम पूरा है, इतना डायग्राम पूरा माइंड सेट करना है कि स्पर्श रेखा कैसे बनती है, अभिलंब कहाँ होता है, अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है और उसी स्पर्श बिंदु से जाता है। तो पहली बात तो ये हमेशा यहाँ नोट करने वाली होती कि जो अभिलंब है वो लंबवत होता है स्पर्श रेखा पर, अभिलंब जो है वो क्या होता है, लंबवत होता है। अब लंबवत होता है तो यहाँ लंबवत लिए शर्त लगाएंगे, दो रेखाएं लंबवत हैं तो ये हमने पढ़ा हुआ है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, कौन कौन सी रेखाएं लंबवत है, स्पर्श रेखा और अभिलंब, यदि दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनतली दोनों तली प्रवणताओं का जो इनटू है वो -1 होता है। भी दो रेखाएं कोई भी लंबवत हैं तो ये लंबवत की शर्त हमने पढ़ी हुई है पहले कि उनतली प्रवणताओं का इनटू -1 होता है, यहाँ लंबवत कौन कौन है, स्पर्श रेखा और अभिलंब, तो स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता और अभिलंब के लिए प्रवणता का जो इनटू है वो -1 होगा। अभी बताया स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx, अभिलंब की प्रवणता पता नहीं -1, तो यहाँ से सॉल्यूशन करने पर क्या आ गया, अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी अभिलंब की प्रवणता -1, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आकर dy/dx। तो ये एक टॉपिक और बन गया, स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता बताई थी dy/dx, अभिलंब उसके लंबवत होता है हमेशा, तो अभिलंब की प्रवणता होगी -1/dy/dx। अब यदि किसी बिंदु पर पूछे, जैसे यहाँ कौन सा बिंदु पर है, x1 y1 पर, अभिलंब की प्रवणता बिंदु पर पूछ रहा है तो -1/dy/dx x1 y1 ये बिंदु पर होगी। अब क्या रह गया, अभिलंब का समीकरण, कौन से बिंदु पर, x1 y1 पर बात कर रहे हैं तो x1 y1 से तो जाएगा जा रहा है ना अभिलंब, अभिलंब जो है वो तलही ना तलही पर x1 y1 से जा रहा है, और x1 y1 से जा रहा है तो समीकरण y-y1 प्रवणता जिसकी बात चल रही है
अभिलंब क्लास मतलब निकाल रहे हैं तो प्रवण था अभिलंब बदले एक्स माइनस एक्स वन किसी भी एक बिंदु एक्स वन वाई वन से जाने वाली रेख लाते होती है वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन और प्रवणता वाई माइनस वाई वन अभिलंब के लिए प्रवणता माइनस वन अपॉन डी वाई बटे डी एक्स कौन से बिंदु पर एक्स वन वाई वन पर एक्स माइनस एक्स वन ये अभिलंब के लिए तो ये सारा हो गया मेन इतना ही बेसिक है क्ली वतलरतले किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता होती है डी वाई बटे डी एक्स और अभिलंब उसके लंबवत होता है तो अभिलंब के लिए माइनस वन अपॉन डी वाई बटे डी एक्स तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया वो अभिलंब हो गया कि हमारे पास एक फलन है वाई बराबर एफ एक्स हमने इस फलन पर एक बिंदु लिया कहीं पर भी एक्स वन वाई वन जब ये बिंदु फलन पर है तो फलन तो संतुष्ट करेगा तो संतुष्ट हो गया मतलब फलन में रख सकते हैं संतुष्ट हो गया ए तरह हम ये बता सकते हैं इस टॉपिक में और ये कहीं ना कहीं ज्यादातर एक्स अक्ष एंगल बनाए ली जब तो रेखा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा बनाती है तो प्रवणता टेन थीटा ये हमें पता है ये हमारे इसमें कमी आने वाला है परंतु वक्र के हिसाब से स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता डी वाई बटे डी एक्स होती है तो ये स्पर्श रेखा जा रही है कौन से बिंदु पर एक्स वन वाई वन पर तो ये स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर है एक्स वन वाई वन पर हम एक बिंदु पर बात कर रहे हैं यदि बिंदु की बात नहीं कर रहे सीधा पूछे वक्र पर स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता तो डी वाई बटे डी एक्स और बिंदु की बात करता है तो उसमें वो बिंदु रख दो तो ये स्पेसिफिक पॉइंट पर बिंदु बदलते जाएंगे तो खींची ले स्पर्श रेखा की प्रवणताएं बदलती जाएंगे यहाँ बिंदु ले ले तो स्पर्श रेखा की प्रवणता चेंज हो जाएगी बिंदु यहाँ बदले ले यहाँ मान बदल जाएगा तो बिंदु बदलने पर स्पर्श रेखाएं बदलने से प्रवणताएं भी बदल रही हैं और एक्स वन वाई वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा किसी भी बिंदु एक बिंदु से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है वाई माइनस वाई वन प्रवणता एक्स माइनस एक्स वन अब इस प्रवणता को निकालने के लिए बहुत से तरीके बताए हैं आपको टेन थीटा होता है या फिर कोई लंबवत या समांतर रेखाएं दी होती हैं वाई माइनस वाई वन बराबर प्रवणता स्पर्श रेखा के लिए क्या है डी वाई बटे डी एक्स किस बिंदु पर बात कर रहा है एक्स वन वाई वन पर एक्स माइनस एक्स वन अब विलंब क्या होता है अब ये बिंदु P हो गया स्पर्श बिंदु देखना ये जो P है ना ये हो गया स्पर्श बिंदु या अभिलंब बिंदु तो इसलिए अभिलंब भी यहीं से जा रहा है स्पर्श बिंदु पूछे तो भी P है अभिलंब बिंदु पूछे तो भी ये P ही है P से जाने वाली वह रेखा जो स्पर्श रेखा पर लंबवत हो स्पर्श बिंदु से जाने वाली वह रेखा जो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है अभिलंब कहलाती है तो यह अभिलंब हो गया अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंबवत है तो लंबवत रेखाओं का हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया अभिलंब लंबवत है स्पर्श रेखा पर यदि दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का इंटू माइनस वन होता है और यदि रेखाएं समांतर होती तो प्रवणताएं बराबर होती हैं डी वाई बटे डी एक्स स्पर्श रेखा की प्रवणता बताई हुई है इंटू अभिलंब की प्रवणता बराबर माइनस वन तो अभिलंब के लिए ये इंटू में इधर उधर डिवाइड अभी बिंदु पर बात करें एक्स वन वाई वन पर बात चल रही है तो अभिलंब की प्रवणता माइनस वन अपॉन डी वाई बटे डी एक्स बिंदु पर ये जनरल फॉर्म में आ गई अभिलंब की प्रवणता हमेशा ये रहनी है पूरे मैथ के अंदर अभिलंब की प्रवणता ये रहेगी माइनस वन अपॉन डी वाई बटे डी एक्स और स्पर्श रेखा डी वाई बटे डी एक्स कहीं भी निकालना पड़े तो निकाल सकते हैं इससे और अभिलंब की प्रवणता बिंदु पर बिंदु रख दिया एक्स वन वाई वन पर अभिलंब था समीकरण अभिलंबित तो रेखा है जो एक्स वन वाई वन से जा रही है और एक बिंदु से जा रही है तो उस अभिलंब के लिए समीकरण वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन और अभिलंब के लिए प्रवणता ये बेसिक हो गया दो बातें और ध्यान रखना एक तो हमने यहाँ पढ़ ली यदि नहीं रेखाएं लंबवत हैं कोई भी दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनके लिए प्रवणताओं का इंटू माइनस वन होता है और दूसरी बात यदि रेखाएं समांतर हैं दो या दो से ज़्यादा जितनी भी रेखाएं समांतर हैं तो उन सब के लिए प्रवणताएं समान होती हैं और इसलिए साथ ये छोटी बातें जानना कि एक्स अक्ष की प्रवणता नॉर्मली ये तो पता ही है बेसिकली है जीरो होती है और उसके समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी एक्स अक्ष और उसके समांतर सभी रेखाओं के लिए प्रवणता जीरो और वाई अक्ष की प्रवणता वन अपॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट और उसके समांतर भी तो समांतर रेखाओं के लिए प्रवणताएं बराबर होती हैं तो ये इसला बेसिक था सारा तला सारा अब इतना बेसिक यदि हमारे सारा समझ में आ जाए तो स्पर्श रेखा और अभिलंब से संबंधित जितने भी प्रश्न कहीं भी आए हम उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लेंथी हो सकता है परंतु हार्ड कुछ भी नहीं होगा यदि हमारे ये पूरा तला पूरा बेसिक पूरा तला पूरा सिस्टम दिमाग में सेट हो जाएगा तो चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन में स्पर्श रेखा और अभिलंब से संबंधित ऐसा भी प्रश्न आ जाए
तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न हमारे वहाँ भी आते हैं 2D में, जब हम बात करते हैं तो व्रत में अभिलंब है, व्रत के लिए स्पर्श रेतला है, प्रवल्य के लिए स्पर्श रेतला, प्रवल्य रेतला अभिलंब है, वो बहुत से फॉर्मूले बन जाते हैं, तो इससे हम सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपने इस प्रश्न एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपने एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं धीरे धीरे। अपना जो पहला एग्जाम्पल है उसमें इतना दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इसलिए एक बिंदु दिया हुआ है x बराबर 2। अब हमें x से दिया y नहीं दिया, तो हम x से y निकाल सकते हैं, पर स्पर्श रेखा के लिए इतना बतानी है प्रवणता। देख लिए क्या इतना चाह रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास वक्र है, वक्र क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स। देख लें पहला लॉजिक तो ये है, वक्र का बिंदु, बिंदु उसने दिया है तो बिंदु हमें नहीं बताना, हमें तो सिर्फ क्या बतानी है स्पर्श रेखा की प्रवणता ही बतानी है। क्या बतानी है स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब फॉर्मूला ध्यान है तो अच्छी बात है, मतलब फॉर्मूले से होने वाला है, याद कर लेना स्पर्श रेखा की प्रवणता। अभी हम सीधा देख रहे हैं किसी बिंदु पर नहीं बात ली मैंने, बिंदु पर बाद में बात कर रहे हैं, सीधी स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछता है। तो अभी बताया था डी वाई बटे डी एच से याद ली जाती है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो डी वाई बटे डी एच से आती है अपने पास। तो ये आपके पास वाई दिया हुआ है, डी वाई बटे डी एच इसका निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बतला 3x² - y। तो सबसे पहले इसमें ये इतलाम लीजिए, इतनी जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसका डी वाई बटे डी एच निकाल कर आप रख लीजिए, ये आ गया स्पर्श रेखा की प्रवणता अगली इतनी। परंतु उसने तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता इस पर पूछी x बराबर 2 पर, तो मैं x बराबर 2 पर बात करता हूँ, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता तो बताया अभी आपको डी वाई बटे डी एक्स, परंतु जब किसी विशेष बिंदु पर तह दे जैसे x बराबर 2 पर तला, तो इसका मतलब मुझे x बराबर 2 रखना पड़ेगा, x बराबर 2 रखना पड़ेगा किसमें डी वाई बटे डी एक्स में। तो ठीक है डी वाई बटे डी एक्स कितना है मेरे पास, ये रहा 3, x का मान मुझे इतना रखना है 2 उस पर स्क्वेयर माइनस 2 तो स्क्वेयर 4 तो 12 माइनस 1 11, ये इतना आ गया एक्स बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये उसका प्रश्न पूरा हो गया जो उसने पूछा था, प्रश्न उसका पूरा हो चुका है, इतना ही पूछा था ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने वक्र दिया ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स में निकाल सकता हूँ, आउटलाइन अपने तो पता है पढ़े हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं आपको, एक्स क्यूब 3x² - x1। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमेशा ही डी वाई बटे डी एक्स से दी जाएगी, मैंने बताया था इसका बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ ही छोटा सा बेसिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रत्येक कॉम्पिटिशन में, प्लस टू में भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन कोई भी आप दें फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड IIT JEE मेंस दें तो उसमें भी इतना ही बेसिक है सारा। इसका स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो डी वाई बटे डी एक्स होती है, डी वाई बटे डी एक्स कितना है 3x² - 1, ये नॉर्मल सारे बिंदुओं पर। अब उसने एक बिंदु स्पेशल बिंदु पर पूछा कौन से पर, एक्स बराबर 2 पर, तो एक्स बराबर 2 रख दिया, 2 रख दिया 2 स्क्वायर 4 4 दिए 12 माइनस 1 11 अगले। अब इसमें वाई का मान नहीं दिया, चाहिए होता तो मैं वहाँ रख देता, क्योंकि तो मैंने बताया था इसमें जो एक्स बराबर 2 क्या दर है वक्र का बिंदु, मतलब ये बिंदु वक्र के ऊपर है, ऊपर है तो वक्र तो संतुष्ट करेला, संतुष्ट करेला तो 2 यहाँ रखता, 2 के लिए 8 माइनस 2 6, मतलब x बराबर 2 पर y का मान कितना है 6, तो बिंदु क्या है 2 6, पर मुझे y चाहिए ही नहीं, चाहिए होता वो अगले एग्जाम्पल में धीरे धीरे देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें इतना पूछने इतना प्रयास कर रहा है, क्या चेंज किया उसने, उसने इसमें इतना सॉल्यूशन साथ में देखते हैं अपने, कि जो वक्र है वो वक्र y बराबर क्या है √4x - 3 - 1, ये वो वक्र है, पर वह सभी बिंदु बताने हैं मुझे, बिंदु बताने हैं सारे सारे, जिन जिन बिंदुओं पर जहाँ जहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आती हो 2/3 आती हो, तो इसमें उसने उल्टा दे दिया,
इसमें उसने पहले बता दिया कि स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता 2/3 आनी चाहिए, तो वो बिंदु बताने हैं। तो स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता उसने दी है, तो एक मैं भी निकाल लेता हूँ, मेरे पास जो फॉर्मूला है उससे अपने भी निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं बिंदु पूछे ना उसने, वह सभी बिंदु माना, वह बिंदु बिंदु क्या मान लेते हैं, x1 y1, तो कभी बिंदु तो नहीं पता ना, तो बिंदु मान लिया x1 y1, किस पर, वक्र पर है, वक्र पर है तो संतुष्ट करेगा, y1 4 x1 -3 -1, बिंदु वक्र पर था, वक्र तो संतुष्ट करा लिया, छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब बात करते हैं मेन स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये लीजिए, अभी पता है इतने सामान्य है, इतने बिंदु पर बात नहीं कर रहा है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ स्पर्श रेखा की प्रवणता, और ये पता है इतना होती है dy/dx, तो वही अपने पास है, dy/dx निकालते हैं। यदि इतना बड़ा फंक्शन होता तो पहले dy/dx निकालते रख लेते, वाई ये रहा, dy/dx में सबसे पहले रूट है, अंडर रूट का अवतलन 1/2 रूट सेम रहता है, यह तो सिर्फ अंडर रूट का चैन रूट श्रृंखला नियम लगा रहे हैं, सबसे पहले रूट का अवतलन होगा, और रूट का क्या होता है 1/2 रूट अंदर 20 सेम, फिर अब अंदर वाले फलन का किसला 4x-3 का, तो उसमें से 4x का 4-3 का 0 इंटू में ये -1, ये तो अचर है 0 हो जाएगा, इस 2 से कट गया 2 2/√4x-3, परंतु स्पर्श रेखा उसने कहा ना वक्र पर वह सभी बिंदु जहां स्पर्श रेखा थी प्रवणता, बिंदु जहां स्पर्श मतलब उस बिंदु पर बता रहा है, कौन सा बिंदु माना था वो मैंने x1 y1, तो x1 y1 पर स्पर्श रेखा थी प्रवणता, एक तो उसने दी 2/3, ये तो उसने दिया है, निकला है ना, वह सभी बिंदु, बिंदु तो पता नहीं था, तो वो बिंदु x1 y1 है, उन सभी बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो कितनी है 2/3 है, उन सभी बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो कितनी है 2/3 है, उन सभी बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है 2/3 है, तो 2/3 है, और मैंने जो प्रवणता निकाल ली अपने वो कितनी आई है 2/ ये तो अभी बिंदु पर नहीं आई, कितनी होती है बिंदु पर dy/dx और वो बिंदु वक्र, और वो कितनी है 2/3, बी वक्र दिया हुआ है √4x-3-1, बिंदु बताने हैं तो बिंदु मान लिया x1 y1 है, तो बिंदु वक्र पर है तो वक्र तो संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करवा दिया। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता उसने दी हुई है, स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है, तो इसलिए dy/dx लग लिया। अब वो स्पर्श रेखा सभी त्रिणी बिंदुओं पर है जो इस बिंदुओं को हमें बात करनी है, जैसे मैंने निकला मैंने x1 y1, तो x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है 2/3 है, तो dy/dx वैसे तो उसने 2/3 तो उसने दिया है, और वैसे मुझे पता है अपने तो फॉर्मूले में पता है कि किसी बिंदु पर हो तो dy/dx में वो बिंदु रख लेते हैं x1 y1, अभी बिंदु रख दिया, अब इसका सोल्यूशन करेंगे ले। तो इधर वाला नोट कर लिया होगा आपने, इसे इरेज कर देते हैं, देखते हैं dy/dx ये रहा, पर बिंदु रखना है तो मैं बिंदु रख देता हूँ 2/√4, बिंदु रख दिया x1 -3 और बराबर क्या दिया 2/3, दो तट लिया वज्र धुना से 4x1 -3 √3, दोनों तरफ वरत कर देते हैं रूट हट जाएगा और 3 + 9 -3 + 3 = 12 और x1 = 12/4/3 आया ना x1। अब ये x1 मेरे को बिंदु पूरा बताना है, मतलब y1 भी बताना है,
तो ये यहाँ एक्स वन है, इसमें रख देते हैं एक्स वन, क्योंकि ये एक्स वन और वाई वन में संबंध है ना, इसमें जैसे ही एक्स वन पुट करेंगे वाई वन आ जाएगा। समीकरण एक में रत्लर क्या है, समीकरण एक में वाई वन बराबर अंडर रूट चार, वाई वन बराबर अंडर रूट में चार इंटू एक्स वन का मान तीन माइनस तीन माइनस एक, चार तीय बारह, बारह माइनस तीन नौ, नौ का रूट तीन माइनस एक कितना आ गया दो, और अतः अभिष्ट जो बिंदु आया एक्स वन का मान तीन वाई वन का दो, ये इस बिंदु पर क्या दी हुई थी स्पर्श रेखा, मतलब ये जो बिंदु है ये स्पर्श बिंदु है, कौन सा बिंदु है ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु बता सकता था, तो स्पर्श बिंदु बोल सकता था, तो स्पर्श बिंदु है जो क्या आया है तीन दो। प्रश्न हो गया एक्स्ट्रा में यदि इसमें पूछता तो हम क्या बता सकते थे, स्पर्श बिंदु आ गया तो मैं यहाँ पर इस बिंदु पर कौन सा आया तीन दो पर स्पर्श रेखा समीकरण भी बता सकता था, पूछता तो क्या होता है y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन और यहाँ पर बनता स्पर्श रेखा थी वाई माइनस दो एक्स माइनस तीन, और उसने ये खुद ने बताया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है दो बटे तीन है। सोल्यूशन कर लें ले स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा, ये नोट लीजिए, फिर एक दो एग्जांपल और देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वक्र जो दिया हुआ है वो है एक्स बराबर ए साइन क्यूब टी और y बराबर b cos क्यूब t, और इसमें यह कह रहा है कि इसका बिंदु t दिया हुआ है बराबर पाई बटे दो, t बराबर क्या दिया हुआ है पाई बटे दो, उस पर क्या बताना है स्पर्श रेखा का समीकरण, तो समीकरण बताने के लिए पहले प्रवणता चाहिए, स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता dy वाई बटे डी एक्स, परंतु यहाँ तो y और x में संबंध ही नहीं है, यहाँ तो संबंध एक्स ला टी से है वाई ला टी से है, और ये अपने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इस प्रकार की जो समीकरण है वो कौन सा रूप कहलाती है प्राचलित समीकरण कहलाती है प्राचल रूप कहलाती है, और इसका डेरिवेटिव डी वाई बटे डी एक्स फाइंड करने के लिए एक्स निर्भर किस पर कर रहा है टी पर, तो अपने फाइंड करते हैं डी एक्स बाई डी टी, ए साइन क्यूब में पहले क्यूब पावर था थ्री साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी था क्लॉस टी, इधर से डी वाई बटे डी टी, बी क्लॉस क्यूब में पावर था थ्री क्लॉस स्क्वायर टी और फिर क्लॉस टी था साइन टी माइनस होता है तो ये माइनस। अब इस प्राचल फॉर्म में डी वाई बटे डी एक्स का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है डी वाई बटे डी टी अपॉन डी एक्स बटे डी टी, तो डी वाई बटे डी कितना है माइनस थ्री बी क्लॉस स्क्वायर टी साइन टी और डी एक्स अपॉन डी टी थ्री ए साइन स्क्वायर टी क्लॉस टी थ्री कैंसिल माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय ए, इस क्लॉस स्क्वायर टी से ये क्लॉस कैंसिल ऊपर आ गया क्लॉस टी, इसी प्रकार ये अपॉन में साइन टी ये आ गया डी वाई बटे डी एक्स, चाहे तो इसका सॉल्यूशन कर लें कितना आ जाएगा क्लॉस अपॉन साइन क्लॉट टी, चाहे इसको इतना छोड़ दें इतनी बात है जैसे मर्जी लिख लें डी वाई बटे डी एक्स आ गया, परंतु ये कौन से बिंदु पर पूछा है टी बराबर पाई बटे दो पर, अब देखिए टी बराबर पाई बटे दो पर स्पर्श रेखातली प्रवणता, टी बराबर पाई बटे दो पर स्पर्श रेखातली प्रवणता, प्रवणता डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बटे डी एक्स होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु किस पर टी बराबर पाई बटे दो पर
बिंदु पूछने तला रहा बिंदु रखना पड़ेगा, टी बराबर पाई बटे दो रख दिया, रख देते हैं माइनस बी बटे ए क्लॉस टी का मान पाई बटे दो साइन पाई बटे दो माइनस बी बटे ए इंटू साइन पाई बटे दो, सॉरी साइन पाई बटे दो वन क्लॉस पाई बटे दो जीरो, ओवरऑल आंसर जीरो। तो इस बिंदु पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, जीरो है, परंतु उसने प्रवणता थोड़ी पूछी है, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है। इस पर टी बराबर पाई बटे दो पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण तो मैंने अभी बताया अपने बात लिए होता है y माइनस वाई वन एम प्रवणता स्पर्श रेखा की एक्स माइनस एक्स वन, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, परंतु कौन से बिंदु पर बात कर रहा है, टी बराबर पाई बटे दो पर, तो टी बराबर पाई बटे दो पर वाई वाई रहता है एक्स एक्स रहता है, बात रह गई वाई वन और एक्स वन की, वाई वन और एक्स वन, वाई वन और एक्स वन ये मेरे को बिंदु चाहिए जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं, पर बिंदु तो उसने टी बराबर पाई बटे दो दिया है, बिंदु उसने इतना दिया है टी बराबर पाई बटे दो, तो इसका मतलब बिंदु हमें बनाना पड़ेगा, ये हमारे पास फलन है वक्र है और इस वक्र में कौन से बिंदु के लिए बात कर रहा है, टी बराबर पाई बटे दो के लिए, तो वाई वन का मतलब वाई का मान वो वाई जिसमें टी का रखना हो पाई बटे दो रखना हो, और ऐसे ही ये वो एस जिसमें टी का रखना हो पाई बटे दो रखना हो, तो अब रख लें ले वाई माइनस वाई में ये रहा बी क्लॉस क्यूब टी पाई बटे दो, डी वाई बटे डी एक्स टी बराबर पाई बटे दो पर, ये पूरा सॉल्यूशन लग चुके हैं, टी बराबर पाई बटे दो पर डी वाई बटे डी एक्स प्रवणता जीरो आ चुकी है, एक्स माइनस एक्स का मान इस पर टी बराबर पाई बटे दो पर, एक्स का मान ये रहा ए साइन क्यूब टी का मान पाई बटे दो, वाई माइनस बी क्लॉस पाई बटे दो का मान जीरो, इधर ये राशि कुछ भी बने इंटू जीरो से हुआ तो जीरो, और बी इंटू जीरो जीरो, तो फाइनली जो आंसर आया वो सिर्फ क्या आया वाई बराबर जीरो, और वाई बराबर जीरो क्या आ गई अभीष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण आ चुका है। तो ये अपना इसला बेसिक और दो तीन एग्जाम्पल अपने दे चुके हैं स्पर्श रेखा विलंब के प्रश्न इसी प्रकार से होने हैं जो सारा बेसिक पर डिपेंड करता है, तो आई होप कि आप इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस बेसिक का यूज करते हुए अच्छे से कर ले, फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है कोई समस्या आती है कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जल्द से जल्द उस समस्या का हल करने का प्रयास नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो अपना टॉपिक है ये प्रत्येक क्लास के माध्यम से चाहे प्लस टू लें चाहे अपने फर्स्ट ग्रेड लें सेकेंड ग्रेड लें चाहे IIT JEE की तैयारी करें सभी में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसका जो बेसिक है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस बेस पर अपने जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि जितना प्रयास किया गया उतना आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लगते पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।